सभी को यहाँ स्पीकर पे रख के चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर पे रख दिया है और आप सभी को यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। सिंपली बंद भी करता हूँ तो भी कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाली। हेलो गाइज, अगर आप अपने गूगल डायलर से कॉल रिकॉर्ड करते हो तो सिंपली सामने वाले को एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कैसे उस चीज़ को ऑफिशियली बंद करना अपने गूगल डायलर से। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप सभी को अपने ऑफिशियल गूगल डायलर से ही रिकॉर्डिंग होगी और आप सभी के जो अनाउंसमेंट है वो बंद हो जाने वाली है। तो सिंपली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे फ़ोन के अंदर। तो सिंपली ये मैंने अपने फ़ोन में लगाया और यहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल लगाता हूँ और आप सभी को यहाँ स्पीकर पे रख के चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर पे रख दिया है और आप सभी को यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। सिंपली बंद भी करता हूँ तो भी कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाली। सो गाइज, ये सेटिंग अपने फ़ोन में आप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी को ऐसे ही वीडियोस चैनल पे मिलती रहती है। और गाइज, आप सभी का ये वर्क कर जाता है ना कहीं। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सभी के लिए हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। सिंपली आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को सबसे पहले मैं चेक करा देता हूँ कि मेरे फ़ोन में कोई भी सेटिंग अप्लाइड नहीं है। तो सिंपली मैं कस्टमर केयर को फिर से कॉल लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर केयर को यहाँ पे कॉल लगाया और आप सभी को रिकॉर्डिंग करके सुना देता हूँ कैसे आवाज़ करता है। तो सिंपली स्पीकर पे कर लेते हैं फ़ोन को, तो यहाँ पे दबाते ही सो गाइज यहाँ पे सुन सकते हो आप, दोनों टाइम पे यहाँ पे आवाज़ अनाउंस कर रहा है। सो गाइज, अब इसको सेटिंग से कैसे बंद करें। सो गाइज, बंद करने की सिंपल सी सेटिंग है, यहाँ से आप सभी को वीडियो अच्छे से देखनी है। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम आप सभी को यहाँ पे देख लेना, ये वाला नाम होने वाला है TTSLEXX। तो ये एप्लीकेशन आप सर्च करते हो अपने प्ले स्टोर पर तो ये मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देने वाला हूँ। सो गाइज, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन को कोई भी सेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप सभी को इसको ओपन का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे ये स्कैन हो रहा है, उसके बाद डन हो गया। उसके बाद बैक कर लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप सभी कोई ओपन का नहीं, ऑन इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। सो गाइज, अब क्या करना है, यहाँ से अब आप सभी को सब कुछ हटा देना है। सिंपली यहाँ सेटिंग में आ जाना है, अपने मेन सेटिंग में, फ़ोन के मेन सेटिंग में आप जब आ जाते हो तो यहाँ पे आप सभी को सर्च का ऑप्शन दिखेगा। तो सर्च के ऑप्शन पे आप सभी को क्या करना है, सर्च TEXT टेक्स्ट सर्च करना है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आप सभी के फ़ोन में। सो गाइज, ये ऑप्शन आप सभी किसी भी फ़ोन में मिल जाएगा, कोई से भी ब्रांड का आपका फ़ोन हो, MI हो, चाहे Realme हो, चाहे Oppo हो, चाहे Vivo, जिसमें आप सभी गूगल का डायलर देखने को मिल रहा है उसमें आप सिंपली ये सर्च कर लेना इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद। अब यहाँ पे आप सभी को सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे नहीं, यहाँ पे आप सभी को मेन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते आप सभी को दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसका देखने को नीचे वाला मिल जाएगा और आप सभी का जो गूगल का है ऊपर दिख जाएगा। तो नीचे वाले आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली ओके पे क्लिक करते ही अब आप सभी को कोई भी कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपली क्या करना है, वापस अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद गूगल का जो डायलर है सिंपली इस पे प्रेस करके रखना है और इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। सिंपली इस इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप सभी को स्टोरेज क्लियर कर देना है, इसका जो क्लियर डाटा होने वाला है या फिर ऑल डाटा क्लियर कर देना, इसमें क्लियर करके ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब आप सभी को क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे वापस अपना डायलर खोलना है। डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पे रिसेंट में आप सभी को थोड़ा टाइम लगेगा आपकी हिस्ट्री लोड होने में, उसके बाद यहाँ प्रेस वापस आना है आप सभी को। अब यहाँ पे कॉल लगा कर दिखा देता हूँ 198, और ये मैं कॉल लगा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ कॉल मैंने लगा दिया फिर से। तो सिंपली कॉल लगाने के बाद आप सभी को स्पीकर पे करके सुनाता हूँ। तो सिंपली ये देख ली, कॉल ऑन हो चुका है। अब आप सभी को यहाँ रिकॉर्डिंग लगा कर देखता हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोई भी साउंड नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसे बंद कर देते हैं, इसे ऑन कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। आप चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में खुद अप्लाई करके। सो गाइज, ये ट्रिक आपके फ़ोन में 100% वर्क कर जाने वाली है, क्योंकि इस ट्रिक को मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइज, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना। और आपका वर्क कर जाता है ना गाइज, तो सिंपली कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना तो ना ही भूलना गाइज। तो सिंपली आप सभी को मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।